हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप टेनिस की बॉल से लेग स्पिन बॉल कैसे डाल सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लेग स्पिन काम कैसे करती है। तो फ्रेंड, जो लेग स्पिन होती है वो एक राइट हैंडर बैट्समैन के लिए बाहर की तरफ निकलती है, और वहीं एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के लिए अंदर की तरफ आती है। तो इस वीडियो में आपको मैं तीन ग्रिप बताऊंगा लेग स्पिन की, जो ग्रिप आपको कंफर्टेबल लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो ग्रिप है, आपको करना क्या है, आपको बॉल को ऐसे ग्रिप करना है। बॉल आपके इस दो फिंगर के बीच में ऐसे होल्ड होगी और आपकी दो फिंगर्स ऐसे बैंड होंगी और आपका थंब ऐसे रहेगा। और आपको करना क्या है, आपको अपनी रिस्ट की हेल्प से बॉल को ऐसे रोटेट कराना है। तो उसके बाद जब आप बॉल डिलीवर करोगे तो हुआ क्या, बॉल आपकी ऐसे मूव होके लेग स्पिन की तरफ मूव होगी। जब आप बॉल को ऐसे रोटेट कराओगे तो बॉल आपकी पिच होके लेग स्पिन की तरफ मूव होगी। इसमें होता क्या है, इसमें दो चीज़ें होती है, एक फिंगर से बॉल को मूव कराना और एक रिस्ट को ऐसे बैंड करके बॉल को आपको ऐसे अपने पाम पे ऐसे लगाना है, उसके बाद आपको रिस्ट से ऐसे कराना। तो एक होती है रिस्ट स्पिन, एक होती है फिंगर स्पिन। जो ग्रिप है वो दोनों की सेम है, आपको बॉल को ऐसी ग्रिप करना है। बस फिंगर स्पिन में क्या करना पड़ेगा, आपको फिंगर की हेल्प से ऐसे करना है, और रिस्ट स्पिन में क्या करना है, आपको बॉल को ऐसे नीचे हल्का सा पाम में ऐसे चिपकाना है, उसके बाद आपको बॉल ऐसे रिस्ट की हेल्प से आपको ऐसे मूव करानी है। तो ये तो हो गई आपकी फिंगर स्पिन और रिस्ट स्पिन। इसके बाद जो अगली ग्रिप है वो आएगी आपकी ऐसे, आपको बॉल को क्या करना है, आपको ऐसे कैरम बॉल की तरह बॉल को ऐसे होल्ड करना है और आपको अपनी ये रिंग फिंगर की हेल्प से बॉल को ऐसे रोटेट कराना है। इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आपको अगर अपनी रिंग फिंगर से नहीं कराना तो आप अपनी मिडिल फिंगर, इस फिंगर से भी आप ऐसे करा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि बॉल कैसे मूव हो रही है, तो ये वाली ग्रिप भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये तीन ग्रिप मैंने आपको बता दी, जो ग्रिप आपको अच्छी लगती है आप उसका यूज़ कर सकते हैं और अपनी बॉलिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक बात और, जब भी आप ये लेग स्पिन कभी भी किसी बैट्समैन को डालें तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि बॉल आपको हमेशा ऊपर फेंकना है। अगर आप शॉर्ट पिच बॉल करोगे तो बैट्समैन बॉल को बना के हिट कर सकता है, इसलिए जितना आप बॉल को ऊपर करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। जब आप बॉल को ऊपर डालेंगे तो बॉल आपकी अच्छी टर्न होगी। तो अगर आपको टेनिस क्रिकेट में सर्वाइव करना है तो आपको ये वेरिएशन बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। तो अगर आपको एक अच्छी लेग स्पिन आती है तो आप किसी भी मैच में बॉल अच्छी कर सकते हो और अपने ओवर को सेव कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।